एक प्रार्थना आप इस वक्त में करेंगे, मराठी हिंदी इंग्लिश आपकी लोकल लैंग्वेज जो भी है उसमें आप प्रार्थना करें, थोड़ा सा इको रखना, आप उसमें प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मुझसे बात करिए, मेरे जीवन से आप बात करिए प्रभु। मॉनिटर थोड़ा कम करना। यस, क्योंकि ये मंच पास्टर डैनियल राज का नहीं है, ये मीटिंग डैनियल राज के लिए नहीं रखी है, ये मंच यीशु का है और ये मीटिंग सिर्फ यीशु के बारे में है। मुझे लगा आप लोग आमीन बोलेंगे, कोई बात नहीं। इस मीटिंग से आज की आखिरी कन्वेंशन, आज आखिरी सेशन में इस कन्वेंशन के दूसरे कन्वेंशन में, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, मैं चाहता हूं कि वचन आपकी जिंदगी से आज बात करने पाए। जितने पंडाल में हैं, मतलब कारपेट पे हैं वो, जितने मंच पे हैं वो, और जितने कुर्सियों पे आगे प्रभु के दास, और जो मेरे भाई लेफ्ट साइड में बैठे या खड़े हैं, उन सभी को प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे सत्य बताइए, क्या है सत्य, मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं। एक कॉमन चीज, एक सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल वो यह है, मसीह बनने के बाद आगे क्या। मैं रिपीट करता हूं, जो यूट्यूब पे मुझे सुनने वाले हैं, जो फेसबुक के माध्यम से मुझे सुनने वाले हैं, मैं उन सभी से फिर कहना चाहता हूं, एक कॉमन सवाल या एक सार्वजनिक सवाल ये पूछा जाता है, मसीह बनने के बाद मैं क्या करूं। मैं मसीह तो बन गया हूं, मैं चर्च तो जाने लगा हूं, मैंने हाथ में बाइबल भी पकड़ ली है, लेकिन आगे क्या। आज परमेश्वर आपसे बात करने जाएगा। जितने लोग पहली बार आए हैं, आप इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम आए हैं, आप यीशु को नहीं जानते, आप दोस्त के माध्यम से आए हैं, आप गांव के पंचायत हैं या सरपंच हैं, या आप कोई भी हैं, आप किसी के बुलाने से आ गए, आज का वचन आपसे भी बात करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस वक्त में इस ग्राउंड पर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। ये इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैं आया हूं, ये इसलिए आई है क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, इस वक्त में हम आपके पास में आते हैं स्वामी, और आपसे विनती करते हैं राजा, और कहते हैं कि जो जो व्यक्ति आज यहां खड़ा है, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर उन सभी को आप छुइए, उन सभी से आप बात करिए परमेश्वर। मैं विनती करता हूं मेरे राजा, और कहता हूं कि पिता परमेश्वर आपकी बड़ी कृपा आज यीशु के नाम में यहां पर होने पाए। प्रभु जी मैं विनती करता हूं, जो यहां दुख दर्द चोट बीमारी अगर किसी प्रकार की कमजोरी या दर्द के साथ आया है, यीशु के नाम से मैं कहता हूं कि आज आप उन्हें चंगा करें। ऐसा लिखा है आपके वचन में, ऐसा कहा है आपने अपने वचन में कि मैं अपने शब्द को भेजूंगा, अपने वचन को भेजूंगा, और मैं मेरे लोगों को चंगा करूंगा। आई विल सेंड माई वर्ड एंड आई विल हील माई पीपल। परमेश्वर आपने वादा करा है और आज आप उसको आज पूरा करेंगे। प्रभु जी मैं जितने सेवक आगे खड़े हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं, जितने मंच पे हैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं, लाइट को साउंड को हर मौसम को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं, और मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा समझ की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे, ताकि हम तेरे वचन को समझने पाए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर चिल्लाते हुए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जोर से और भी जोर से। हमारे इतने सारे लोग हैं, आप लोग बेटा एक बार ऐसा ऊपर उठाकर घुमा दो, नथानियल ऐसा ऊपर उठाकर घुमा दो, और एक बार और एक बार, क्या बात है क्या बात है, वाह वंडरफुल। आप लोग सब बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब बैठ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, वंडरफुल। बेटा आपने ऑन किया, ओके नाउ सब बैठ जाएं प्लीज। और मैं उस भाई का जिसने वहां पे स्टॉल बंद कर दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू भैया, आपने हमारी बात का आदर किया। जो स्टॉल पे बैठे हैं एक बार हाथ उठा दिखा दे भैया, वंडरफुल। आप लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। अगर अभी भी कोई यहाँ वहाँ घूम रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग इस कारपेट पे आ जाए, मतलब ये फर्श पे आ जाए।
ओके, सबसे पहले हम फिर से यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाकर यीशु का आज के इस आखिरी कन्वेंशन आखिरी सेशन में नॉट आखिरी कन्वेंशन आखिरी सेशन में स्वागत करेंगे। क्या बात है, वंडरफुल वृद्धा गोविंद ना? गोविंद नाम जब ठीक ले लिया ना, इस मंच से यीशु की बात करना मुझे पसंद है। इस मंच से यीशु की जब चर्चा होती है मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, क्योंकि मुझे किसी और की बात करने में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी यीशु के बारे में है। अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं क्यों, तो उसका जवाब है यूं, वो था वो है और वो रहेगा। थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं कि वो था वो है और वो रहेगा। ना यीशु के जैसे कोई था, ना यीशु के जैसे कोई है और ना कभी कोई आएगा, क्योंकि जिस जी 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 ताली में कंजूसी नहीं चाहिए क्योंकि जीएसटी नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस पवित्र शास्त्र को मैं 25 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे ये पवित्र शास्त्र में चार किताबें बड़ी अच्छी लगती है, मत्ती मरकुस लुका योहन्ना, इसका मतलब बाकी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन चार किताबें बड़ी दिलचस्प है और उसी किताब को लेकर तो बाकी किताबें हैं। क्या बात है, आप है मेरे साथ में, और वहां है जी 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 वहां है मत्ती मरकुस लुका योहन्ना। मत्ती में 28 अध्याय है, मरकुस में 16 है, लुका में 24 है, योहन्ना में 21 अध्याय, और ये सारी किताबें मिलाकर कहती है कि यीशु मसीह ना तो कोई उसके जैसा हो सकता है ना कोई अब है। आगे का बोल दीजिए, अमीन। वो अल्फा है, क्या बात है सर, और वो आदि है और वो अंत है, और आपको और एक बता दूं, वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। साइंटिस्ट के दिमाग में नहीं आ रहा कि वो कैसे आएगा, डॉक्टर के दिमाग में नहीं आ रहा कि वो कैसे आएगा, अच्छे अच्छे टाटा अंबानी बिरला उनके दिमाग में नहीं आ रहा कि ये कैसे आएगा। यीशु जब चमत्कार करते थे तो किसी के समझ में नहीं आते थे, कोई तो ये भी कहते थे कि यार ये तो आदमी जो चमत्कार कर रहा है ये किसी और ताकत से कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि भैया मेरी ताकत का पता लग जाएगा तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। क्या पता, तालियों में कंजूसी नहीं चाहिए, इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दे, मतलब पैड की वॉल्यूम बढ़ा दे। आमीन। मुझसे किसी ने पूछा, पास्टर डैनियल आप यीशु की बात क्यों करते हैं, क्योंकि आप ईसाई हैं। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, जहां तक सेवकों से सहयोग चाहिए, जहां तक मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं मुझे एक भी जगह पे यीशु मसीह कृष्ण का भगवान है पता ही नहीं चला, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला और ना ही कभी मिलेगा। पता है क्यों, क्योंकि जहां यीशु पैदा हुआ, जो यूट्यूब पे सुन रहे वो भी सुनिए, जहां यीशु पैदा हुआ उसको कहते हैं मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट कहां पड़ता है, जहां यीशु पैदा हुआ वह है बैतलहम। बैतलहम कहां पड़ता है, यरूशलेम। यरूशलेम कहां पड़ता है, इज़राइल। इज़राइल कहां पड़ता है, मिडल ईस्ट। कुछ लोग जानते हैं शायद, ना 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 ना, यहां पे आपका सहयोग चाहिए था। यीशु जहां पैदा हुआ, अगर आपको पता चल जाए कि नागपुर भारत का सेंटर है, जो जानकार है हाथ उठाकर बताते, नागपुर क्या है, भारत का सेंटर है, जहां से जीरो माइल शुरू होता है वो आपका नागपुर है, तो वर्ल्ड का जीरो माइल यानी सेंटर कौन सा है, बैतलहम। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं जगत की रोटी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, तो रोटी को फिलहाल बगल में रखते हैं, ज्योति की बात करते हैं। तो यीशु ने कहा रोशनी कहां चलनी चाहिए, बोलो बीच में। अब देखो ये खंभे को, ये चल कहां रहा है बीच में, अगर उस कोने में रखा जाता तो आपको और हमको रोशनी नहीं मिलती। तो यीशु जगत की ज्योति है, यीशु जगत का उद्धार करता है, इसलिए उसने कहा कि मैं दुनिया के बीच में पैदा होऊंगा। आमीन। आ जाया कर यार, आप है मेरे साथ में, मुझे इस मंच से, क्योंकि भाई साहब कहां गए, नाम फिर भूल गया मैं, नहीं मुझे जिन्होंने बुलाया यहां पे, मतलब पहला कॉल जिसका है, सर भीका बिकन सर, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, आपके साथ दो दिन से घूम रहा हूँ लेकिन आपका नाम जो है ना मेरी जबान पे अभी तक नहीं आ रहा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिकन सर, आपने मुझे मंच दिया, मतलब आपकी जो टीम है उसके माध्यम से मैं यहाँ खड़ा होकर मुझे यीशु की बात करना पसंद है। आमीन। मुझसे किसी ने पूछा कि आप यीशु की बात क्यों करते हैं, मैंने कहा सर ऐसा है कि जितने आए, चाहे राजा हो या महाराजा हो, प्रिंस हो या हाई प्रिंस हो, लंदन का हो या अमेरिका का हो, देश का हो या विदेश का हो, सर सब आए सब मर गए, सबकी कब्रों पे अभी भी पत्थर है, लेकिन यीशु की कब्र पे, रुक जाओ मौका मिलेगा, यीशु की कब्र पे पत्थर रखा था सिर्फ 3 दिन के लिए, अगर आप लोग समझ गए होंगे, उसके बाद में वो पत्थर खुद ही हट गया। क्या बात है, आप है मेरे साथ में। ना तो किसी ने हटाया, ना तो किसी ने टिकाया,
पत्थर खुद ही हट गया, पता है क्यों? पत्थर पत्थर को भी पता है कि अंदर कौन लेटा है। क्या बात है, आप मेरे साथ में। मुझे इस मन से यीशु की बात करना पसंद इसलिए है क्योंकि लोग मुझे पूछते हैं आप यीशु की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा सर उसकी बहुत सारे वजह है लेकिन एक दो तो दे ही देता हूं। यीशु का पहला चमत्कार अगर कोई जानता है, पानी से दाकरस, शुक्रिया, मराठी में भी बोल सकते हैं आप लोग का पता नहीं, पानी से दाकरस। मुझसे किसी ने बोला यीशु का पहला चमत्कार तो पानी पे चलने वाला होना चाहिए, लाजर को जिंदा करने वाला होना चाहिए, 5,000 की भीड़ को खिलाने वाला होना चाहिए, यायर की बेटी को जिंदा करने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई बड़ा चमत्कार होना चाहिए। ये पानी को दाकरस बनाया कोई बड़ा चमत्कार नहीं लगता है। मैंने बोला भैया ये तो आप सोच रहे हो लेकिन एक बार पानी से भी तो पूछो कि उसके साथ क्या हुआ। तो पानी से पूछा गया, पानी पानी क्या है तेरी कहानी? फिर उसने माइक लिया और उसने अपनी कहानी, उसने कहा कि सर ऐसा था कि मैं पानी पड़ी हुई थी, मुझे कोई पूछता नहीं था लेकिन जब यीशु मसीह ने मुझे पूछा, जब यीशु मसीह के हाथों में पहुंच गए, यीशु के नजर जब मुझ पर पड़ गई, मेरे साथ 5 बातें हुई। कितनी? 5 बातें। बड़े ध्यान से सुनिए जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आपने कभी जिंदगी में नहीं सुना होगा क्योंकि मोदी साहब ये सब बातें नहीं कर सकते। आगे आप लोग समझदार हैं, ना ही राहुल गांधी कर सकता है, ना ही टोपी वाला कर सकता है और ना ही झाड़ू वाला कर सकता है, क्योंकि यीशु की बातें वही कर सकता है जो यीशु को दिल दे चुका है। क्या बात है, ताली बजाओ, वाओ, वंडरफुल। पानी को जब माइक दिया गया तो पानी ने कहा कि मेरे साथ में 5 बातें हुई। उसने बोला पहला क्या? उसने कहा कि उसने सबसे पहले मेरा कलर चेंज कर दिया, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता लेकिन दाकरस का कलर होता है। और जितने पुरुष बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए कि दाकरस का कलर क्या होता है, क्योंकि हमने भी अच्छा खासा पिया था जब हम अविश्वासी थे। दूसरा कहती है कि उसने मेरा टेस्ट बदल दिया। पानी का कोई टेस्ट नहीं होता लेकिन दाकरस का टेस्ट होता है। तीसरा कहती है कि पानी उस यीशु मसीह ने मेरा असर बदल दिया। पहले पीते थे प्यास बुझती थी, अब पीते नशा चढ़ती है। चौथा कहते हैं कि उसने क्या कर दिया? कहते हैं उसने मेरा एड्रेस बदल दिया। पहले मैं कुएं में थी, अब प्रधान के हाथ में हूँ। क्या बात है। और आखिरी कहती है कि उसने मेरा खुशबू बदल दिया। पानी का कोई खुशबू नहीं है, आगे आप समझदार हैं कि दाकरस का क्या खुशबू है। इस व्यक्ति का भी जिंदगी 25 साल पहले यीशु ने बदला। इस मन से मुझे यीशु की बात करना क्यों पसंद है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि डैनियल भाई आप यीशु की बात क्यों करते हैं? मैंने कहा सर आप कहाँ थे? उसने बोला आपका मतलब क्या है? मैंने बोला सर आप कहाँ थे पता है आपको? आप इस पृथ्वी पर बड़ा ध्यान से सुनेगा, मजा आएगा, आपके लाइफ में कभी नहीं सुना होगा। आप इस पृथ्वी में आने से पहले माँ के पेट में थे और वहाँ 9 महीना थे और वहाँ 2 चीज़ें थी, एक था पानी, दूसरा था अंधेरा। मैं रिपीट करता हूँ, एक था पानी, दूसरा था अंधेरा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो कहता है यही है मेरी दुनिया, लेकिन उसको कौन बताया कि इसके बाद भी है एक दुनिया? ओ, आप नहीं समझे शायद। मैं रिपीट करता हूँ, उसको लगता है कि यही है दुनिया, अब उसको कौन बताया कि इसके बाद भी है एक दुनिया? और जब वो 2 चीज के अंदर था, एक था पानी और दूसरा था अंधेरा, और उसको लगा कि 9 महीने की जिंदगी ही जिंदगी है, लेकिन उसको कैसे बताया कि इसके बाद भी एक जिंदगी है? और जी जी जी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, देसी हो, विदेशी हो, चाहे यहूदी हो, कोई भी कौम का हो, हर इंसान माँ के पेट से पैदा होता है। सुनो, और जब वो अंदर होता है तो उसको लगता है 9 महीने की जिंदगी सही है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बोलता है ओ, सुबह बोले थे ओ, सब लोग बोलो ओ, बोला अरे बाप रे मुझे लगा कि जिंदगी वो थी, जिंदगी तो ये है, वहां अंधेरा पानी, यहां हवा पानी। रिपीट करता हूं, वहां अंधेरा पानी और यहां क्या चल रहा है सर? हवा पानी। अंधेरे पानी के बगैर बच्चा कुछ नहीं था, इंसान भी हवा पानी के बगैर कुछ नहीं है। और ये जिंदगी चलती है 100 साल अगर तेल आटा अच्छा रहा और अगर बीवी सही रही। आगे जिसकी शादी हो गई है वो समझ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी भी हो गई इसकी माँ के साथ। नहीं, वो लड़की की बात कर रहा हूँ जो कैमरा चला रहा है। मेरा बेटा है वो। अब जो यहाँ फर्स्ट टाइम आए कल नहीं थे, मैं आपको बता दूँ कि मेरा लड़का है 10 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है, मेरी एक पत्नी है क्योंकि मैं एक ही से शादी किया हूँ। नहीं, मैं समझता हूँ सेवकों को एक ही पत्नी होनी चाहिए। आप मेरे साथ में, बच्चा जब माँ के पेट में होता है 9 महीना, 2 चीज़ें होती है, अंधेरा और पानी। जब वही बच्चा यहाँ आता है 100 साल, तेल आटा पानी अच्छा रहा तो, और यहाँ कहते हैं हवा और पानी। अगर किसी को कोशिश करना है कि हवा पानी के बगैर मैं जीकर बता सकता हूँ, अपनी नाक बंद कर ली और कभी पानी नहीं पीना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहानी क्या है। लेकिन यीशु ने, मैं फिर कहता हूँ, मुझे इस मन से यीशु की बात करना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यीशु मसीह तीसरी जिंदगी की बात करते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, 9 महीने की बात नहीं करते, 100 साल की बात नहीं करते। 9 महीने में क्या है? अंधेरा पानी। 100 साल में क्या है सर? हवा पानी। लेकिन यीशु ने कहा जब तक कोई आत्मा से पानी से जब तक कोई आत्मा और पानी से ना जन्मे, वो उस राज्य में नहीं जा सकता जो 9 महीने की नहीं है, 100 साल की नहीं है। फिर आपको पता है कितने साल की है? सर गिनते गिनते थक जाओगे, उसको कहते हैं अनंत काल की। ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए जोर से।
अब मुझसे लोग बहस करते हैं सर, कहते हैं डैनियल भाई, क्योंकि मैं काउंसलर हूं, कहते हैं डैनियल भाई आप वाला सही है, ये कैसे मान ले? मैंने बोला तेरे वाले का साबित करके बता, लगता नहीं समझ में आया। कहता है आप वाला मरा, मैंने कहा तेरा वाला भी मरा तो साबित करके बता। बोला मेरा वाला मरा ये साबित कर सकता हूं, मैंने बोला मेरा वाला जिया। आगे का बता ही दीजिए सर, और वो वापस आने वाला है। आपकी 9 महीने की जिंदगी, आपका 100 साल की जिंदगी, प्रश्न उठता है अनंत काल की जिंदगी का क्या? इस मंच से मैं यीशु की बात क्यों करता हूं, क्योंकि ट्रंप समझते हैं ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप भी किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। मैंने मोदी का नाम नहीं लिया। कोई राजा, कोई टाटा, कोई अंबानी, कोई बिरला, कोई करोड़पति करोड़पति आपको वो जिंदगी नहीं दे सकता जो यीशु मसीह देता है। कमान 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 ये सोचो, अगर किसी को बहस करना है अभी आप बहस कर सकते हैं, लेकिन बहस से तुम जीतोगे नहीं। पूछो क्यों? सब लोग पूछते तो अच्छा लगता है, पूछे ना क्यों? जिसको 18 पता है तुम उसको 17 क्या सिखाओगे? आगे आप समझदार हैं। जिसको ये पता है कि आज तारीख क्या है तुम उसको पुराना तारीख क्या बताओगे? आप है मेरे साथ में। जिसको ये पता है कि आज रात है तुम उसको दिन क्या बताओगे? क्योंकि वो दिन से तो रात में पहुंचा है। कमान सुनो, मैं वापस कहता हूं इस मंच से। हाँ, और एक आ गया, सुनिए अच्छा लगेगा, क्योंकि यहां पवित्र आत्मा बात कर रहा है। एक आदमी था, कल बताया था उसके बारे में, उसका नाम था जकई, उसकी हाइट कम थी, यीशु को देखना चाहता था, पेड़ पे चढ़ गया, जैसे तैसे चढ़ गया, कितनी बार गिरा वो बात अलग है, लेकिन फाइनली ही मेड इट, वो आखिरकार पेड़ पे चढ़ गया। उसको लगा कि आज मैं यीशु को देख कर रहूंगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि यीशु उसको देखने वाला है। आमीन। सुनिए सुनिए अच्छा लगेगा। यीशु मसीह जैसे ही पेड़ के नजदीक पहुंचे, यीशु मसीह ने बोला जकई नीचे उतर। अब उसके दिमाग में पहली बात तो भाई साहब ये आ गई कि ये आदमी को मैं कभी जानता नहीं हूं, ये आदमी मुझे कभी नहीं जानता, इसको मेरा नाम कैसे पता चला? अब उसको कौन बताया? जी, उसको कौन बताया कि ये सृष्टि करता है जो तुझे बुला रहा है? और आपको पता है, मजा आएगा, अगर मैं जकई की जगह पे होता मेरा तो दिमाग खराब हो जाता कि प्रभु जिसको देखने के लिए मात्र मैं पेड़ पे कितनी बार से चढ़ना गिरना तकलीफ उठाऊं, आप उसी को आप मेरे घर पे आना चाह रहे? आप सोच नहीं सकते। बाइबल में रिकॉर्ड है, जितने प्रभु के दास से साथ दीजिएगा, लूका की किताब 19 अध्याय वचन 1 से लेकर 11 तक पढ़ लीजिएगा, 10 तक पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि जकई जब चढ़ा तो जैसे तैसे चढ़ा, लेकिन जब नीचे उतरा झट से उतरा, लिखा है कि नहीं लिखा? तो उसकी खुशी का अंदाजा नहीं था सर। उसने बोला जिसको मैं देखना मांग रहा था, जैसे तैसे यहां चोट लगी है, अब यही आदमी कहता है मुझे आपके घर जाना है। यहां जितने बैठे मैं आपसे कहना चाहता हूं, डैनियल राज आपके घर नहीं आ सकता। नाम फिर भूल गया मैं भाई साहब का, बिका आपके घर नहीं आ सकते। यहां बैठे हर कोई आदमी आपके घर नहीं आ सकता, मोदी योगी राहुल आपके घर नहीं आ सकता, लेकिन सृष्टिकर्ता यीशु आपके घर आ सकता। मैं इतने अच्छे अच्छे पंचेस दे रहा हूँ, कपिल शर्मा भी नहीं देता, लेकिन एक आदमी ने भी सीटी नहीं बजाई। आगे मौका मिल जाएगा आपको। मैं वापस कहता हूँ, यीशु जैसा ना तो कोई था, ना कोई है, और ना कभी कोई होगा। इसलिए इस मन से बात करते वक्त में मुझे पैसे का घमंड नहीं है सर, मुझे ताकत का घमंड नहीं है, मुझे बुद्धि का घमंड नहीं है। किसी को होगा तो पैसे का, ताकत का, बुद्धि का? यरमिया 9:23 कहता है किसी को पैसे का घमंड है, किसी को ताकत का घमंड है, किसी को बुद्धि का घमंड है। लेकिन आपको पता है हमको किसका घमंड है? हम जो यहाँ बैठे ना, हमको सिर्फ उसका घमंड है, क्योंकि हम उसको जानते हैं। जो सब कुछ रखकर बैठे नहीं जानते, तो फिर भैया आप भी बता दीजिए उनकी हालत क्या होगी। आमीन। लेकिन एक तरफ हमारा दिल रोता है कि प्रभु उन्होंने भी यीशु को जानना है। आमीन। और मुझे यहाँ से, बस मैं आगे अपने मैसेज पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से इस व्यक्ति की बात करना अच्छा क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह अकेला ऐसा कहता है कि डैनियल मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु अकेला यहां जितने बैठे ना, आपसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मत्ती की किताब उसके 11:28 नहीं पढ़ना, लिखा है बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ। अगर अमिताभ बच्चन अपने बेटे की शादी कराए, जो कि करा चुका है, आपको पता है पूरी दुनिया को दावत पे नहीं बुलाएगा। अगर राजा भी अगर जिंदा होते ना, तो पूरी दुनिया को दावत पे नहीं बुलाते। लंदन का प्रिंस है ना, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों डॉलर्स है, पॉन्ड्स में, वो भी पूरी दुनिया को दावत पे नहीं बुलाएगा। सृष्टिकर्ता यीशु अकेला ऐसा है, कहता है पूरी दुनिया को, कहता है मेरी दावत पे आ जा। क्या बात है, यहां तो सिटी बनती है, क्या बात है। थोड़ा ईगो बढ़ा देता तो क्या चला जाता तेरा। अगली बार कोशिश करना। मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग गांव के लोग हैं, मैं समझता हूं थोड़ा सा आईक्यू का दिक्कत हो सकता है, लेकिन शहर भी तो पहले गांव था ना। वाह, कैसा लगा सब यहां पर? मैं चाहता हूं कि अब जो यहां से होगा उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मुझे अच्छा वक्त मिला है, और मैं समझता हूं कि हम उस वक्त का पूरा फायदा उठाएंगे। आमीन। और घड़ी को घड़ी घड़ी
नहीं देखना, सिर्फ घड़ी को, घड़ी घड़ी मैं देखूंगा, आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ मुझे देखेंगे। आमीन। बेटा वहां सब ठीक है? ओके, नाउ जितने भारत से हैं, मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, और आप पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान से, मॉरिशस से, अफ्रीका से, यूके से, इटली से, अरब कंट्री से, जितने भी मुझे जानते हैं, आप सभी का मैं इस वक्त में खड़की पाड़ा, यस नाम याद आ गया, खड़की पाड़ा महाराष्ट्र में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट है नंदुरबार, तो बिल्कुल गुजरात और महाराष्ट्र का ये बीच में है, बॉर्डर में है। थैंक यू सर। तो मैं यहाँ पर हूँ बेटा, एक बार सबको घुमा दे, दिखा दे बेटा एक बार सब, जरा हाथ ऐसे कर दीजिए प्लीज़, ऐसे नहीं 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 आपने पीछे, आप लोग नहीं आएंगे, वही आएंगे, जरा हाथ उठाकर बता दीजिए। जी मैं यहाँ पर हूँ बेटा, थोड़ा नीचे कर ले कैमरा को, वेरी गुड, अभी अभी सीख रहा है बेटा मेरा। ओके सो मैं यहाँ पर हूँ बेटा, मेरी तरफ, मैं यहाँ पर हूँ और आप सभी मुझे सुनते हैं, और मैं वापस कहता हूँ, कल भी कहा था, मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, मैं YouTube पे जब वीडियो डालता हूं तो मुझे YouTube वाले पैसे नहीं देते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त में डालता हूं। और भाई साहब जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर आपको बिल्कुल छूट है, कोई दिक्कत नहीं, Facebook पे डालिए, YouTube पे डालिए, जहां कहीं डालना है डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे नहीं मिलते, पैसे क्यों लगेंगे, आमीन। ये सब कुछ मुफ्त में, आइए एक अच्छी ताली बजा दें जोर से चिल्लाते हुए यीशु के लिए, थैंक यू सो मच, या वंडरफुल। नाउ मैंने कल से एक वचन को लेके मैं चल रहा हूं, एक टॉपिक को मैं लेकर चल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर मैं जो अभी बताने वाला हूं हम उसकी तरफ जाएंगे। तो सब लोग तैयार हैं? थोड़ा सा एनर्जी टाइप, सब लोग तैयार हैं? सिस्टर्स आप लोग तैयार हैं? ओके, इफिसियों की किताब उसका 5:15-17, द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5:15-17, जितने भी ग्राउंड में बैठे हैं सभी अपनी बाइबल खोलिए, अगर आपके पास है, रिक्वेस्ट करता हूं सब अपनी बाइबल खोलिए। जी इफिसियों 5:15-17, यस पहले मराठी फिर हिंदी। म्हणून अज्ञानासारखे नव्हे तर ज्ञानासारखे स्वभावावर नजर ठेवून जपून चाला, जी वेळेचा सदुपयोग करा कारण दिवस वाईट आहेत, जी म्हणून तुम्ही मूर्खासारखे होऊ नका, जी तर प्रभूची इच्छा आहे काय हे समजून घ्या। हा अभी हिंदी माइक दे देना भैया उनको। इसलिए ध्यान से देखो, आप पढ़िए भैया, कि कैसी चाल चलते हो, जी निर्बुद्धियों की नाई नहीं, जी पर बुद्धिमानों की नाई चलो, जी और अवसर को बहुमूल समझो, जी क्योंकि दिन बहुत बुरे है, हाँ। इस कारण निर्बुद्धि न हो, हाँ। पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ओके, मैंने कल कहा था फॉलो योर कॉल, अपनी बुलाहट का पीछा करो, मैंने कल बताया था ना, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। और आज अगर किसी को टॉपिक चाहिए तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं, तुम्हारे जीवन का मकसद या तुम्हारे मसीह में आने का मकसद, पर्पस ऑफ योर लाइफ, इंग्लिश में बोल सकते हैं पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का, अभी बताया था मकसद, वापस बोलिए, आपके जीवन का मकसद, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का मकसद। नाउ एक कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, मैं मसीह में आ गया हूं, अब मैं आगे क्या करूं, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया है, अब मैं आगे क्या करूं, मेरा बाप्तिस्मा हो गया है, अब मैं आगे क्या करूं, मैंने चर्च ज्वाइन कर ली है, मैं मेंबर बन चुका हूं, मैं डिसाइपल बन चुका हूं, अब आगे क्या। अब ये जो चीज डेमोन्स्ट्रेट मैं यहां पर कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, मुझे एक भाई और चाहिए, कोई आ सकता है, एक अच्छा भाई आ सकता है, सर आप जो कल आए थे कहाँ गए, सर आइए, आप बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, आइए आइए सर, वेरी गुड, आपके बाइबल के साथ ही आइए, थोड़ा और नजदीक आ सकते हैं लेकिन टाइट रखना, बस बस, नहीं 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 आप उसको नहीं छोड़ना है, वो कोना पकड़ के रखिए, सर आप इस तरफ आइए, वंडरफुल, इनके लिए ताली हो जाए। बेटा नथानियल हम पूरे फ्रेम में हैं, बेटा हम पूरा फ्रेम में है ना, उसका ध्यान रखना, हाँ ओके ना सर वहां चले जाइए ना, मैं चाहता हूं कि मैं ये जो कोना है, सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए, मैं वापस कहता हूं, किसी को रिकॉर्ड करना है कर सकते हैं, शूट बनाना है वीडियो बनाना है आपकी मर्जी, लेकिन इसको अपने दिमाग में रखिएगा, सब लोग तैयार हैं, ये जो कोना है मैं इसको एक नाम दूंगा और वो जो कोना है मैं उसको एक नाम दूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा मैसेज क्या है कल का नहीं अभी जो टॉपिक बताया, पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का,
थोड़ा जोर से प्लीज, आपके जीवन का मकसद, जब एक व्यक्ति, सर आज आप एक विश्वासी हैं, ठीक है ना, एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है तो उसके जीवन का मकसद क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। मैं उसके ऊपर बात करूंगा। और याद रखो, मैंने कल कहा था कि ये जो व्यक्ति आप जिसको देख रहे हैं, ये 25 साल से सेवा में है, 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा है, कम से कम 5 साल से ये पूरे भारत में घूम घूमकर कम से कम 1000 कॉन्फ्रेंसेस, जिसको कहते हैं महान आज्ञा के ऊपर, ग्रेट कमीशन कर चुका है, कम से कम 30,000 से 35,000 पास्टर्स एंड लीडर्स को पूरे भारत में तैयार कर चुका है। कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु की महिमा के लिए, आमीन। और ऐसे करते हुए मैं 25 साल से जिस बाइबल को पढ़ रहा हूं, और मुझे पता है कि बाइबल कभी गलत नहीं सिखाती, आमीन। और जो कुछ उसमें लिखा है डैनियल राज, उसी में से आज बात करेगा। तो सब लोग तैयार हैं ना? बड़े ध्यान से सुनेगा। इसको कहते हैं पहली सदी की कलीसिया, और उसको कहते हैं 21 सदी की कलीसिया। रिपीट, इसको कहते हैं पहली सदी की कलीसिया, और इसको कहते हैं 21 सदी की कलीसिया। रिपीट कर सकते हैं, वो कौन सी कलीसिया है? पहली सदी। ये कौन सी कलीसिया है? 21 सदी। रिपीट, वो कौन सी है? पहली सदी। सर माइक में भी बोल दीजिए। और दूसरी कौन सी है? 21 सदी। नाउ यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा। यहां पे जो जो होता था, क्या वही यहां नहीं होना चाहिए? जोर से, क्या बात है, वंडरफुल, ऐसा जवाब चाहिए। रिपीट करते हैं, जो यहां होता था क्या वही चीज यहां पर भी होनी चाहिए ना आज की तारीख में? जोर से बोलिए यस। सिस्टर्स आप लोग भी बात करना है प्लीज। मैं वापस कहता हूं, जो यहां होता था वही चीज यहां पर भी होना चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? जोर से, शुक्रिया। क्योंकि यहां का यीशु और वहां का यीशु अलग थोड़ी है यार। यहां का परमेश्वर वहां का परमेश्वर अलग थोड़ी है। यहां का पवित्र आत्मा यहां का पवित्र आत्मा, कम ऑन आगे बोल दीजिए, अलग थोड़ी है। और यहां का बाइबल अलग थोड़ी है, एक ही तो है ना। जब जो चीज वहां होती थी वही चीज यहां पे भी होनी चाहिए। नाउ दिक्कत यहां है कि जब यहां पे सेवा शुरू हुई, बाइबल रख दीजिए, जब यहां रख दीजिए, जब यहां सेवा शुरू हुई, मैं फिर कह रहा हूं, सब सुन रहे हैं, जब यहां सेवा शुरू हुई, बड़े ध्यान से सुनना, और जितने फर्स्ट टाइम आए हैं आज पहली बार, आपके लिए भी बहुत सारा मसाला है। जीसस क्राइस्ट, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे वचन आ जाते हैं, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुने यूट्यूब वाले, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनेगा ना। जब यहां पे फर्स्ट टाइम एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसने शुरुआत करी थी एक शब्द बोलकर, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यही चीज यहां पर भी बोली जानी चाहिए, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आएगा। फिर यहां पे दूसरा व्यक्ति आया, उसका नाम था यीशु, उसने भी यही कहा, मत्ती 4:17 मत पढ़िए, उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर भी यही होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर यहां तीसरा व्यक्ति है, उसका नाम है पत्रस, उसने कहा, मत पढ़ना, आपका प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 37, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 37, उसने भी कहा, 3000 ने पूछा हम क्या करें, उसने कहा मन फिराओ और यीशु मसीह पर विश्वास करो, यस और नो। फिर आता चौथा व्यक्ति, उसका नाम है पौलुस, उसने भी कहा मन फिराओ, तुम्हें अपने पापों से मन फिराना जरूरी है, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 25, जेलर ने पूछा हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो पौलुस ने भी वही कहा, पत्रस ने भी वही कहा, कमन आगे बोल दीजिए, यीशु ने भी वही कहा, और जॉन द बैप्टिस्ट ने भी वही कहा। जो होता था वहां यही होना चाहिए यहां, यस और नो। अब जो बाद में बोलने वाला था उसका झटका अभी दे देता हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि जो होता था वहां वो नहीं हो रहा है यहां। जल्दी पूछो क्यों? ये बीच के लोगों ने गड़बड़ किया है। मैं वापस कहता हूं, किसने गड़बड़ किया है? ये बीच के लोगों ने गड़बड़ किया है। मैं वो बीच के लोगों को आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं। तैयार हैं आप लोग? मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग चूक गए होंगे, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा एक ही जगह पर रख, एक ही जगह पर रख, बस मेरी जान एक ही जगह पर रख। मैं वापस कहता हूं, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, आगे बोल दो मन फिराओ, ठीक है, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, यीशु ने कहा, पत्रस ने कहा, पौलुस ने कहा, और मैं पांचवा और ही दे देता हूं, पहली सदी की कलीसिया ने भी कहा, लेकिन यहां क्या चलना चाहिए था, वही यहां पर भी होना चाहिए, मन फिराओ यहां पर भी होना चाहिए। आप लोग थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, यहां पे भी होना चाहिए, लेकिन यहां पे कुछ और हो रहा है, मैं बताऊंगा क्यों, क्या हो रहा है, और उसको बिगाड़ा किसने है, ये बीच के लोगों ने, और मैं आऊंगा। मैंने कल कहा था, जितने आज आए हैं शायद नहीं सुने, मैं वापस कह देता हूं, यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल नहीं है, यीशु मसीह कैथोलिक जोर से नहीं है, यीशु मसीह कैरिस्मेटिक नहीं है, यीशु मसीह ब्रदरन नहीं है, एंग्लिकन नहीं है, मैथडिस्ट नहीं है, बैप्टिस्ट नहीं है, यीशु मसीह है। वाह, क्या तालियां होनी चाहिए,
यीशु मसीह हर संस्था का है सर, आपका संस्था जो है ना यीशु मसीह उसका भी है, मेरा जो चर्च है उसका भी है यीशु में। माय गुडनेस, जरा तैयार हो जाइए, यीशु को हम किसी संस्था के डब्बे में बंद नहीं कर सकते। सर, मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु मसीह को हम किसी डब्बे में बंद नहीं कर सकते। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों का जरा दिमाग ज्यादा चलता है और नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दोगे कि डैनियल भाई ये क्या बोल दिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा 66 बुक्स है बाइबल में और न्यू टेस्टमेंट में 27 बुक्स है और 4 किताबें यीशु के बारे में बराबर बताती है। अगर आप में से किसी के पास में ऐसा कोई स्क्रिप्चर है जो ये बता दे कि यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए आया, आप जो बोलो हार जाऊंगा, 13 लाख की गाड़ी घर पर छोड़ के आओ होटल में, वो आपके नाम कर दूंगा। जी मैंने कहा ना, जिसको 18 पता तुम उसको 17 क्या सिखाओगे? आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, जो यहां होता था वो यहीं होना चाहिए था ना। जी अब वापस यहां पर आते हैं, वाह मजा आएगा। यहां के लोग बड़े ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा, यहां के लोग समर्पित थे तो यहां के लोग भी समर्पित होना चाहिए। यहां के लोग दुख उठाने को तैयार थे तो यहां के लोग भी दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। यहाँ के लोग कहते थे कि हमको गाड़ी बंगला पैसा नहीं चाहिए, 2 BHK 3 BHK नहीं चाहिए, हमको किसी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग चाहिए कहते हैं कि हमको सब चाहिए, यीशु मिले या ना मिले, मिनिस्ट्री मिले या ना मिले, सेवा मिले या ना मिले, गांव का उद्धार हो या ना हो, पड़ोसी का उद्धार हो या ना हो, लेकिन मेरा घर का उद्धार हो, मेरा काम हो जाए, मेरी बैंक में समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, मैं UK पहुंच जाऊं, मैं यहां पहुंच जा रहे यार, तुम यीशु को खरीद लिया। ऊपर से यीशु कहता शुरू हो जाए, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसा जी रहा। आप मेरे साथ में सिस्टर्स, आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ज्यादातर का सुर आप लोगों का है, पूछो कैसे, जैसे हम जैसे सेवकों को देखते हैं, अयो पास्टर आ गए पास्टर, और ऊपर से तेल पानी ज्यादा चलता है आप लोग के पास में। तो मैं आज सब निकालूंगा सर, मुझे नहीं पता कि आप दोबारा बुलाओगे नहीं बुलाओगे, लेकिन आज सब निकलेगा। आप लोग तैयार हैं? और मैं वापस कहता हूं कि ये काला कोट वाला यानी मैं, अगर इसमें से बात कर रहा हूं तो सुन लीजिएगा, अगर इसमें से बात नहीं कर रहा हूं दोबारा कभी मत बुलाइएगा, ना तो बुलाइएगा ना तो कभी मेरी मीटिंग में आइएगा। इज दैट क्लियर? मैं वापस कहता हूं, यहां जो चलता था अगर वो यहां नहीं चलता, सर आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, दिक्कत नहीं ना, अगर आप हाँ भी बोलते तो क्या कर लेते। मैं वापस कहता हूं, जो यहां चलता था वो यहां वापस चलना चाहिए था। आमीन। यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, यहां पे एक व्यक्ति का प्रचार बड़े जोर से चलता था और आपको बताया उसका नाम क्या है? यीशु। यहां पे राजा लोगों ने कहा, हेरोदेस ने कहा, पिलातुस ने कहा, या महायाजकों ने कहा, अगर तुमने, प्रेरितों की किताब 4 याद होगा आपको, एक जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया था, पत्रस और योना ने उसको ठीक किया था, वहां के लोगों ने कहा खबरदार अगर वापस यीशु के नाम का प्रचार किया। पत्रस और योना सड़क में खड़े हो गए, ऊपर आकाश की तरफ देखा और कहा हे प्रभु इनकी धमकियों को देख। बोले कि नहीं बोले? और जैसे ही कहा आपको पता है क्या हुआ भैया? जमीन हिल गई। यीशु के नाम से जब प्रार्थना की गई जमीन हिल गई। बाकी लोग क्या चीज है आगे आप समझदार हैं लेकिन तालियों में कंजूसी है। यीशु के नाम से जमीन हिल गई। बाकी लोग क्या चीज है? कुछ लोग मेरे को बोलते हैं डैनियल भाई यार वो पार्टी जीतनी चाहिए। आगे आप समझदार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर ये पार्टी आ गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला पार्टी कोई भी क्यों ना हो, हम अगर अपने औकात पे आ गए तो सब कुछ ठीक है। बोलो हमारी औकात कौन सी है? सिर्फ पूछो हमारी औकात कौन सी है। शुक्रिया पूछने के लिए। हमारी औकात है घुटना। जो व्यक्ति जी 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 जो व्यक्ति घुटने पे आना सीख गया उसको कहते हैं मसीह की औकात। सिस्टर्स बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो एस्तर थी, साथ में चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, वो एस्तर थी जिसने जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टमेंट में यहोवा से प्रार्थना करी, राजा के मन को बदली। बदली कि नहीं बदली? अब आप सोच के देखो, मूसा ने 2 हाथ उठाए भैया, 80 साल का बुढ़ा था कौन? मूसा। फिर भी हाथ कमजोर होते थे। हूर और हारून ने जाकर टेका लगा दिया पत्थर का, बोला बाबा तेरा हाथ अभी नीचे कैसे जाता देखते हैं, क्योंकि यहाँ 6 लाख लोगों का सवाल है। एक आदमी के प्रार्थना करने से 6 लाख लोग जीत सकते हैं, यहाँ कम से कम 1000 लोग हैं, आपका महाराष्ट्र क्यों नहीं जीता जा सकते? कम अंतर सर। अब दिक्कत क्या है पता है? हम लोग अपने औकात पे आ ही नहीं रहे और बाकी लोगों को कहते हैं कि तुम अपनी औकात पे आ जाओ। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा पहला तू ठीक हो जा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक और चीज बता सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो, सब लोग हैं मेरे साथ में? अच्छा, खास करके जो महिलाएं हैं ना वो ऐसी बैठी हैं जैसे अभी लगता है कि बस पास्टर डैनियल तुम मीटिंग खत्म करो और हम घर पे जाके सो जाए, ऐसा तो नहीं है ना मेरी बहनों? थोड़ा सा मजबूत बैठिए। सब लोग तैयार हैं ना? बाइबल के अंदर जिसको सबसे ज्यादा लिखा गया है कम से कम 365 ज्यादा बार, 365 से भी ज्यादा बार, वो क्या है? जी 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 आवाज आ रही है क्या?
क्या बात है मेरी बहन, आप वही थी ना जो सुबह रिक्शा के पास बैठी थी? देख रहे हैं सर, अभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब जो है ना, हर बार जब वो नाके पे पहुंचेंगे एक बार रिक्शा में जरूर देखेंगे कोई बैठा तो नहीं अंदर। आप है मेरे साथ में, लिखा है मत डर, बोलिए मराठी में क्या बोलते हैं? ब्यू नको। अरे वाह, मराठी सीख रहा हूं मैं। ब्यू नको इंग्लिश में कहता है डू नॉट फियर, मतलब मत डरो। इसका मतलब क्या पता है? वापस आइए सर, पहली सदी में, पास जी साथ दीजिएगा, पहली सदी में जो यूट्यूब वाले सुन रहे वो भी सुनिए, पहली सदी में जो सबसे ज्यादा चीज काम नहीं करती थी वह ये था, माय गॉडनेस गेट रेडी, मिशनरीज पीटर पॉल कोई भी हो वो किसी से नहीं डरते थे। बाप रे, बजा दिया यार। मैं वापस, इसकी ऑफरिंग कट नहीं करना बेचारे की, मैं वापस कहता हूं कि पहली सदी की कलीसिया में किसी के अंदर जो एक चीज नहीं थी वो क्या थी? उनके अंदर क्या नहीं था सर? डर नहीं था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रेरितों की किताब पढ़ना इसको भैया हिंदी में, प्रेरितों की किताब 18:9, प्रेरितों की किताब 18:9, एक्ट चैप्टर 18:9, एक्ट चैप्टर 18:9, जल्दी पढ़ना भैया जिसको मिल गया, मराठी हिंदी जी। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने रात को दर्शन के द्वारा जी पौलुस से कहा, पौलुस से कहा मत डर। वापस पढ़ना, नहीं डरना, चाहे लाल झंडा वाला आए या पीला झंडा वाला आए, झंडा किसी का भी हो हमको नहीं डरना है, क्योंकि जब तक यीशु आपके साथ में है आपको किसी से नहीं डरना। कम ऑन, यस और नो? नाउ यहां पर लिखा है मत डर, और आगे पढ़ना सर, मत डर आगे के बाद। बरन कहे जा, वापस बोलना, बरन कहे जा, वापस पढ़ना, बरन कहे जा। तो पहली सदी में क्या होता था? लोग किसी से नहीं डरते थे। और आजकल क्या चल रहा है मालूम है? बोल दूं, ओपन मीटिंग है, फिर भी थोड़ा शब्द का कंट्रोल करूंगा। अगर किसी पास्टर का कॉलर पकड़ लिया तो पूरी की पूरी टीम जमा हो जाती है और रोड जाम, रास्ता जाम, ये जाम, वो जाम। आपने हमारे पास्टर को हाथ कैसे लगाया यार? हाथी तो लगाया है, आप है मेरे साथ में। और कहते हैं आपने हमारे पास्टर को मारा कैसे, आपने कलीसिया को तोड़ा कैसे, चर्च की बिल्डिंग को तोड़ा कैसे, आपने बाइबल फाड़ा कैसे? यार एक बार फाड़ने तो दो, फिर मजा आएगा। पौलुस अगर पहले शौल था, अगर उसने कलीसिया को नहीं सताया होता, आगे आप लोग समझदार हैं, वो पॉल कैसे बनता? और वो तो शुक्र है सर, थैंक यू, वो तो शुक्र है कि पीटर के पास में डीएसपी का नंबर नहीं था, वो तो शुक्र है कि उस यूहन्ना के पास में किसी कमिश्नर का नंबर नहीं था, नहीं तो वो सीधा फोन लगाता कि पौलुस नाम का आदमी, यानी कि वो शाउल था, ये नाम का आदमी हमको बहुत सता रहा है, इसको उठा के जेल में डालो। जितने यूट्यूब वाले, बड़े ध्यान से सुनिए, एक बार सताओ आने दो। ओके, मैं अलग तरीके से बोलता हूं। नेहरू जी ने कहा कि क्रिश्चियंस को, मसीहों को जो यीशु को फॉलो करते हैं, उनको मत छेड़ो। आपको पता होना चाहिए, गूगल में टाइप करिए, मिल जाएगा। पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा इनको जितना छेड़ोगे, इनको जितना सताओगे, ये उतना फैलेंगे। लिसन, खटमल के मरने से अगर 100 खटमल पैदा हो सकता है, एक पास्टर के मरने से 100 पास्टर क्यों नहीं पैदा हो सकते? आप मेरे साथ में। और एक चीज पूछने की इच्छा हो रही है, पूछ सकता हूं? नरक में सबसे पहले कौन जाएंगे? दारूबाज, मर्डरर्स, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, सबसे पहले नरक में कौन जाएंगे? वक्त की कमी है क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, मैं ही बता देता हूं। प्रेरितों के, क्षमा करें, प्रकाशित वाक्य 21:8, सिर्फ लिख लो प्रकाशित वाक्य, अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि सबसे पहले डरपोक नरक में जाएंगे। आपने कभी ध्यान दिया था सर? लिखा है डरपोक। सर अगर मिल गया तो पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए। पर डरपोक, वापस पढ़ना, पर डरपोक। बस, तो डरपोक कहां जाएंगे? लिखा है कि जिसका नाम, सर आप लोग सुन रहे हैं, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है वो कहां जाएगा? दूसरी आग, यानी कि दूसरा नरक, उसको कहते हैं आग की झील, उसमें चला जाएगा। तो डरपोक नंबर 1 पर है। मैंने प्रभु से पूछा, आत्मिक बातें जरा सुन लीजिए, मैंने बोला प्रभु डरपोक नरक में क्यों जाएंगे? तो प्रभु कहता है सुसमाचार लेके जाने से जो डरता है, सुसमाचार सुनाने से जो डरता है, अच्छा खासा आदमी सुधरने वाला था, ये डर के चक्कर में उसके घर नहीं गया। समझ में आ गया आपको? डर के चक्कर में घर नहीं गया, जाना था उसके घर, गया अपने घर। और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं? बड़े ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। वक्त के, वक्त चिंता मत करिए। एक व्यक्ति था सर, उसका नाम था गिडियन। एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? गिडियन, गिदोन,
जो लोग जानते हैं, उस व्यक्ति को, न्यायों की पुस्तक छठवां अध्याय से कहानी शुरू होती है, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन में बोला, उसको साक्षात भी बोला कि मैं तुझे चुनता हूं और तेरा नाम शूरवीर रखता हूं और तुझे जाकर मिधानियों को मारना है। मिधानी ने 7 साल गुलामी में रखा था इसराइलियों को। अब ये जो आपका गिडियन है, ये बोलता है प्रभु मैं कैसे जीत सकता हूं, मेरे पास में 32,000 सेना, कितनी 32,000, जितने लोग बड़े ध्यान से सुनना, 32,000 सेना में से परमेश्वर ने बोला बेटा ये भी ज्यादा है, बोला प्रभु एक्सक्यूज मी वापस बोलना, बोला बेटा ये भी ज्यादा है, बोला प्रभु आपको नहीं पता है कि जिससे मैं लड़ने जा रहा हूं उनके पास में इतनी सिपाही है, बाइबल में रिकॉर्ड हो गया, कहते अगर गिनने जाओगे तो कीड़ों की तरह इतने फैले हुए, लिखा कि नहीं लिखा, और आप कहते हैं कि मेरे पास में जो 32 है वो भी कम है, परमेश्वर ने बोला बेटा एक काम कर, बोला क्या, अनाउंसमेंट कर, अनाउंसमेंट क्या है, कहते हैं जिसको जिसको लगता है डर वो जाए अपने अपने घर, और आपको पता है कितने चले गए, 22,000, और बचे कितने, मात्र 10,000, बड़े ध्यान से सुनना, 10,000 जब बच गए तब परमेश्वर बोलता है बेटा ये भी ज्यादा है, मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ बोलना है, परमेश्वर ने बोला बेटा ये भी ज्यादा है, बोला अब क्या करो, बोला वापस अनाउंसमेंट कर, बोला ये अनाउंसमेंट क्या है, बोला बोलो सबको बोलो पानी पियो, 9,700 ने घुटने टेके और 300 ने हाथ में पानी लेके पिया, लिखा है कि नहीं लिखा है, परमेश्वर ने बोला बेटा ये 9,700 को घर भेजो, बोला क्यों, बोला जो प्यास के सामने घुटने टेकते, जो पानी के सामने घुटने टेक दे वो मेरे युद्ध में क्या काम आएगा, ये 300 सही है, बोला वो क्यों, बोला इनको अब फोकस पानी नहीं है, इनका फोकस युद्ध है, और जिसका फोकस युद्ध है वो कम भी क्यों ना हो, 300 भी क्यों ना हो और सामने करोड़ों क्यों ना हो, जीत सकते हैं, जल्दी पूछो क्यों, जल्दी पूछो क्यों, क्योंकि बाइबल रिकॉर्ड करती है, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय कहता है युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, युद्ध तो परमेश्वर का है, वापस कहता हूं कि जो हम मंच पे खड़े हैं वो और जो नीचे बैठे हैं वो और जो वहां बैठे हैं वो, आप में से कोई भी मिनिस्ट्री अपने लिए नहीं करता, आप परमेश्वर के लिए करते हैं, आपको किसी के, बाप रे मुंबई वाला है बोल दो, आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी पूछो क्यों, क्योंकि जिससे सब डरते वही अपना बाप है, थोड़ा देर समझ में आता है आपको, वापस बोल दो, हमको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, जिससे सब डरते हैं यहोवा यीशु वही हमारा बाप है, सुनो बाइबल तो खुद कहती है उससे मत डरो, उससे मत डरो, उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, उससे डरो जो दोनों को घात कर सकता है, और दोनों को घात करने का अधिकार सिर्फ प्रभु का है, कमान कैसा लग रहा है, मैं वापस कहता हूं पहली सदी में एक चीज नहीं थी, सब लोग जोर से बोल दीजिए, वो क्या नहीं था, डर नहीं था, लोग समर्पित थे, लोग प्रभु के पीछे चलने वाले लोग थे, यहाँ पे गाड़ी बंगला नहीं मांगते थे, लेकिन आपको पता है यहाँ पर क्या मांगते हैं, कहते हैं पास्टर जी डैनियल भाई प्लीज जरा प्रार्थना कर दो, साइकिल में घूम रहा मोटरसाइकिल कब मिलेगी, मोटरसाइकिल में घूम रहा मारुति कब मिलेगी, मारुति में घूम रहा हूँ BMW कब मिलेगी, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मेरे को तूने क्या बना के रखा है, मतलब जैसे बनिया के दुकान में हम लीस लेकर जाते हैं ना, 1 किलो चावल 1 किलो आटा तेल ये फसल दे दो, तो सुबह सुबह उठकर मेरे को लीस थमा देता है, जितने यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको भी बड़े ध्यान से बोलना चाहूंगा, आप भी सुनिएगा, परमेश्वर को आपकी जरूरत पता है, वापस आना पड़ेगा, मैं रिपीट कर देता हूं कि परमेश्वर को आपकी जरूरत पता है, भैया एक वचन पढ़ना, आपका नाम क्या जो हिंदी में पढ़ रहे, फिलिप एक वचन पढ़ना बेटा, मत्ती की किताब उसका 6:33 जल्दी पढ़ना बेटा, फिलिप जल्दी पढ़ो, मैथ्यू 6:33, मैं चाहता हूं अगर आपको भी मिलता है आप भी पढ़ लीजिए जी, इसलिए पहले तुम हाँ उसके राज्य और धर्म की खोज करो हाँ तो ये सब वस्तुएं हाँ भी तुम्हें मिल जाएगी, ओके ओके, कम से कम 3-4-5-6 बच्चे छोटे छोटे आ सकते बेटा, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, ये 5-5-7-10-10 साल के आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा, अरे आ जाओ बाकी लोग भी आ जाओ, अरे अंकल नहीं मारेंगे, आ जाओ जल्दी आ जाओ, 5-6 बच्चे आ जाओ, और 5-6 बच्चे आ जाओ, बस बस आ जा बेटा तू भी आ जा, व्हाइट टी शर्ट आ जा बेटा, आ जा पिंक टी शर्ट तू भी आ जा, लाइन से खड़े हो जाओ वहां पे, मैं डेमोन्स्ट्रेट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद रहे, विजुअल बहुत काम करते हैं, ये सब बच्चे दिख रहे हैं बहुत अच्छे, आइए सर आप इधर, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये है प्रभु का दास, ये है हम, आमेन, ये है विश्वासी, ये है प्रभु का दास दासी, ये कहता है प्रभु का वचन कहता है, पढ़ना फिलिप पहले, हाँ वापस आइए, पहले नहीं मैंने जैसे बोला वैसे बोलो, पहले पहले, अरे यार वापस आ, पहले हाँ एक मिनट सब लोग बोलो पहले, जरा जोर से बोलेंगे वापस, इंग्लिश में क्या लिखा मालूम है, फर्स्ट, रिपीट फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट में रखो, सेकंड में क्यों रख रहे हो, तो यीशु का राज्य फर्स्ट, यीशु की सेवा फर्स्ट, गांव का नाम क्या है,
खड़कीपाड़ा फर्स्ट, नंदुरबार फर्स्ट, महाराष्ट्र फर्स्ट, भारत फर्स्ट, इसको कहते हैं सुसमाचार फर्स्ट। फिर उसके बाद में जब जा रहे थे फर्स्ट 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 करके, बस इतने में साइकिल आ गया, ये भी इसका मोटरसाइकिल आ गया, ये भी इसका मारुति गाड़ी आ गई, ये भी इसका, साथ में रह बेटी जान, हाँ इधर आ जा बेटा। उसके बाद में गाड़ी बंगला, ये भी, और ऊपर से पैसे। मैं वापस कहता हूं, जब आप प्रभु के राज्य के पीछे चलोगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कमान राइट करो सर। नाउ अभी दिक्कत क्या है मैं बताता हूं, जो ये बीच वालों ने गड़बड़ किया, मैं उसके ऊपर आऊंगा। सर थोड़ा दूर जाइए। ये है प्रभु का दास, कहता है प्रभु खड़कीपाड़ा, खड़कीपाड़ा बाद में, नंदुरबार बाद में, महाराष्ट्र बाद में। मेरे जितने भाई लोग यहां फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको बता दूं सर, ये काला कोट वाला आप लोगों से प्यार करता है एक ही वजह से, पता है क्या सर, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है। और जितने सेवक यहां बैठे ना सर, जो दिन रात मेहनत करते हैं, आप अपने अपने गांव में, आप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर यीशु है। मुझे पता चला कि आपके गांव में कुछ मिशनरी काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इशारा भी नहीं करूंगा। मैंने पूछा सर इनके बच्चे कहाँ हैं, इनके बच्चे यहाँ कैसे पढ़ते हैं, तो मुझे पता चला, बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं सिर्फ कंट्रोल करूंगा क्योंकि मेरा दिल बहुत रोता है जब मैं ऐसी चीज़ों को सुनता है। कहते हैं इनके बच्चे इनके पास नहीं रहते, इनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। नथानियल सुना आपने, इनके बच्चे कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। और इनके संस्था का नियम है, अगर बच्चों को साथ में रखा तो फिर मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे, और जो कि मैं समझता हूँ पहली सदी में ऐसी कुछ होता भी था। उनका फोकस उनकी कमजोरी नहीं थी, उनका फोकस परमेश्वर का राज्य था। कम ऑन यस और नो। और जब मैंने सुना मैं बोला माय गॉड, मेरे बच्चे से मैं जितनी कोशिश करता हूं मैं उससे दूर नहीं रहूं, मैं हमेशा साथ में रहता हूं। और सर मुझे गाड़ी चलानी आती है, नाम फिर बिकन सर, बिकन सर मुझे गाड़ी चलानी आती है। मैं बॉम्बे से गुजरात, गुजरात से बॉम्बे, मतलब ये जगह से जा सकता हूं। लेकिन आपको पता है मैंने आज रात को वहां से ड्राइवर क्यों बुलाया, इस लड़के के साथ ये आगे की सीट में बैठता है और ये लड़का सीट पे ना सोए, मेरे यहां पे सोए, मेरी ये इच्छा है। अब आप सोचो वो ड्राइवर को मैंने बॉम्बे से, अभी वो सड़क में मिलेगा मुझे, वो इसलिए बुलाया है ताकि ये लड़के के साथ में मैं संगति कर सकूं। मुझे उस पिता के ऊपर जो आपके बीच में मिशनरी बनकर घूम रहा है, उस माँ के ऊपर जो मिशनरी बनकर घूम रही है, ना जाने कितने समय तक उसने अपने बच्चे को नहीं देखा होगा। ये त्याग का जीवन नहीं है सर, कमन बात करिए, ये त्याग का जीवन नहीं है, ये त्याग का जीवन है। और आपको पता है इसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें जरूर देगा। लेकिन आजकल ऐसी बातें मॉडर्न चर्चेस में नहीं दिखती, शहरों की कलीसिया में नहीं दिखती। यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमको जीसस क्राइस्ट जो सुबह नाम लिया था यहां नहीं ले सकता, दिक्कत हो जाएगी। रवि समझ रहा होगा, मुझे कुछ लोगों के ऊपर इतना गुस्सा है सर, जिसको मैं बीच वाला कहता हूं। क्या कहता हूं, बीच वाला। उनका फोकस है, ये कौन था, साइकिल, उनका फोकस है साइकिल। बोला प्रभु गांव गांव घूमना है, पहले साइकिल दो बाद में सेवा। आपको पता है क्या बोलना चाहिए, पहले सेवा दे दो बाद में साइकिल। कुछ लोगों का फोकस है मोटरसाइकिल, कुछ लोगों का फोकस है मारुति, कुछ लोगों का फोकस है गाड़ी बंगला, कुछ लोग कहते हैं पैसा, कुछ लोग कहते हैं प्रोस्पेरिटी। मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, YouTube पे वाले जितने भी वो भी सुनिएगा। हम जब ऐसा प्रचार करते हैं ना तो हमको कहते हैं कि पास्टर डैनियल ठीक ठाक था, क्या था, ठीक ठाक था। अगर यही जगह पे मैं कहूं परमेश्वर आपको अमेरिका भेज रहा है, परमेश्वर आपको दुबई भेज रहा है, आपको परमेश्वर करोड़पति बना रहा है, आप समझ रहे हैं ऐसे प्रचारकों को ज्यादा पसंद किया जाता है। इसलिए तो पौलुस ने कहा कानों की खुजली के चलते, आगे आप समझदार है, 2 तिमोथी 4:1 लिखा है कि नहीं लिखा है, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं एक बार हाथ देख सकता हूं जो मेरी बातों से सहमत है, वाह बेटा घुमा दिया कर जल्दी से। See that? परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य की खोज करो, आइए भैया मेरे राज्य की खोज करो। तो पहली सदी में, बच्चे लोग थोड़ा पीछे जाओ बेटा, पहली सदी में यहां ये सब होता था, ये सुनो, यहां त्याग का जीवन था। बापरे और एक आ गया, क्या करूं, बोल दूं, नहीं पढ़ना इसको, कोशिश करता हूं कि मैं ज्यादा वचन नहीं पढ़वा, लेकिन क्या करे प्रभु बात कर रहा है। लूका का 9:22 का भी पढ़ा, 22:23 का भी पढ़ा, लिखा यदि कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलेगा वो मेरे राज्य के योग्य। पढ़े कि नहीं पढ़े सिस्टर्स, पढ़े कि नहीं पढ़े, इसका मतलब क्या मालूम है, पहली सदी की कलीसिया में गाड़ी बंगला फोकस था ही नहीं,
मुझे अच्छा शरीर चाहिए वो था ही नहीं, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए आगे बोल दीजिए वो था ही नहीं, मुझे पैसा चाहिए सुन रहे हैं आप लोग वो था ही नहीं उनका जीसस क्राइस्ट। ऐसी जब मीटिंग होती थी ना भैया उन दिनों में पौलुस आता था पत्रस आता था प्रचार करने के लिए, वो जब मीटिंग में आते थे ना तो पहला सवाल ये पूछते थे सर उधार पाने के लिए क्या करें, पौलुस भाई उधार पाने के लिए क्या करें, आजकल क्या चल रहा है मालूम है सर गाड़ी बंगला कैसे मिलेगा वो क्या करें, सर मेरे को अच्छा चंगाई चाहिए वो क्या करें, मेरी किडनी का प्रॉब्लम है मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है मुझे डायबिटीज हो गया है मुझे रात को नींद नहीं आती। अरे यार आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? हाँ कहते हैं रात में नींद नहीं आती तो खुद ही चुड़ैल जैसे तेरे को नींद कहाँ से आएगा? मेरे साथ में तेरे पति को पूछेगा तो पता चलेगा कि तू कितनी वाली हरकत करती है, और पति को पत्नी को पूछेगा तो पत्नी बताएगी कि मेरा पति रात सोता क्यों नहीं क्या हरकतें करता है। आप है मेरे साथ में? और ऊपर से हम जैसे सेवकों के पास में आकर कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना करिए, और आप लोग तो हद हैं पास्टर जी बापरे पास्टर आ गए, और अगर विदेशी वाला आ गया तो और भी अलग मजा है आप लोगों का। मैं वापस कहना चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनेगा, पहली सदी में ये सब नहीं होता था, यहां फोकस था उद्धार कैसे पाए, यहां फोकस था सच्चाई को कैसे जाने। अगर मुझसे कोई बहस करना चाहता है, कोई अगर साइंटिस्ट से बहस कर सकता है, पांच रोटी दो मछली से 5,000 को कैसे खिला दिया, अगर किसी को बहस करना है तो कर सकता है, फिर मैं भी कुछ सवाल पूछूंगा आप जवाब नहीं दे पाओगे। मेरा एक ही प्रश्न है तू आया कैसे इस दुनिया में, तू आया कैसे? तुम उतना ही सवाल पूछ सकते हो जितना दिख रहा है, खुदा वह है जो नहीं दिखता है वो भी देख सकता है। एक ने पूछा यीशु मसीह पानी में कैसे चला, मैंने बोला यीशु चला उसको छोड़ दे, उसने पतरस को चलाया वो पूछ ले। यीशु खुद भी चलता है और दूसरों को भी चला सकता है। अगर बात दूर तक चली जाएगी तो मैं ये भी पूछ लूंगा, अगर डॉक्टर को पूछा जाए, अगर कोई डॉक्टर यहां पर बैठा है, अगर डॉक्टर से पूछा जाए कि सर आदमी जब मर जाता है तो उसका जो शरीर है वो कितने घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, वो कहेंगे कि 24 घंटे का अगर ऊपर हो गया तो शरीर खत्म होना शुरू हो जाता है। यस और नो? उसकी हड्डियां गलना, उसके मांस गलना, उसके शरीर से जो कीड़े निकलना शुरू हो जाते। और मार्था ने यही कहा, आप जिसके सामने से पत्थर हटाओ कह रहे हैं उसको मरे 4 दिन हो गए हैं, आप कैसे बोलते हैं कि वो जिंदा हो जाएगा? यीशु ने कहा बेटा अगर तू मेरे पुनरुत्थान को जान सकती, मेरे सामर्थ को जान सकती, ये सवाल नहीं करती। बहस करने वाले बहस कर सकते हैं लेकिन यीशु मसीह के सामने एक नहीं चलेगी सर आपकी, वो था वो है और वो रहेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, पहली सदी में एक ही प्रचार होता था, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, नरक से बचो नरक से बचो नरक से बचो, तुम्हें स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाना है स्वर्ग जाना, यह प्रचार होता था। और आजकल क्या चल रहा है सर? आपको नौकरी परमानेंट कैसे मिलेगी, हद होती है यार, आपका घर अच्छा कैसे हो जाएगा, आपकी शादी नहीं हो रही है, अच्छा मैचिंग समझते हैं, जीवन साथी हम ढूंढ के लाएंगे। अरे भैया जब तुमको यही काम करना था तो सेवा में उतरे क्यों? कुछ और बोल दूं? सब लोग तैयार हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये मन से किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मैं रिपीट करता हूं, इस मन से मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। मैं रिपीट करता हूं, थैंक यू सर, मैं रिपीट करता हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन प्रभु का कोई मजाक उड़ाए मैं वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरी बीवी को कोई छेड़े मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर प्रभु की कलीसिया उसकी दुल्हन है, आगे समझदार है आत्मिक बात है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी अगर यीशु की कलीसिया को कोई छेड़ रहा है, राइट और नो? क्या हो रहा है मेरे साथ में? पतरस ने तो सिर्फ कान काटा, आगे आप समझदार हैं, पतरस ने तो सिर्फ कान काटा, आगे आप समझदार हैं। और पौलुस कहता है मैं तो ऐसे लोगों को ध्यान से देखते रहता हूं, सुबह बोले कि नहीं बोले, मैं तो ऐसे लोगों को ध्यान से देखते रहता हूं, अगर कोई कलिसिया में गड़बड़ी करेगा पौलुस नहीं छोड़ेगा सर, यीशु ने नहीं छोड़ा आपके और मैं क्या चीज है, नहीं लेकर गए हैंटर बनाकर कहां यरूशलेम के मंदिर में, और क्या कहा यह प्रार्थना का घर होना चाहिए, तुमने तो इसको डाकुओं का अड्डा बना दिया है, बोले कि नहीं बोले? मैं ये सारी चीजें ओपन मीटिंग में ज्यादा नहीं बोल सकता हूं क्योंकि ये ओपन मीटिंग है, कभी कॉन्फ्रेंस करवाइएगा 2 दिन का मजा आएगा। आप है मेरे साथ में? ऐसे सर आप नहीं, ऐसे लोग जब सेवा में उतरते हैं तो यहां 25 बॉडीगार्ड, यहां 25 बॉडीगार्ड, पीछे 50 आगे 50, भाई जब तेरे को इतना डर लगता है तो सेवा में उतरा क्यों? ऊपर से इधर बंदूक, जिसके पास में बॉडीगार्ड है उनके पास में बंदूक, मैंने बोला भाई तुम हो क्या चीज, हड्डी मांस के इंसान, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया था तो कौन से बॉडीगार्ड के साथ में बपतिस्मा लिया था बताइए? नहीं मैं थोड़ा सा चिड़ा हुआ हूं, प्लीज बताइए। हाँ रवि मुंबई में यह नाटक बहुत चलता है, बोला सेवक आया है,
अच्छी बात है ना, हम सेवक का आदर करते हैं। आप लोगों ने मेरा आदर किया, मुझे शॉल दिया, मुझे फूल दिया, आपने मेरा आदर किया, लेकिन मेरा आराधना क्यों करने लगे? नहीं समझ में आया। आदर करना अलग है, आराधना करना अलग है, रिस्पेक्ट अलग है, वर्शिप अलग है। कमान यो सुनो, लेकिन आजकल क्या चलती है मालूम है? अय्या सेवक आ गए, सेवक आ गए। अच्छी बात है ना, सेवक आ गए तो इज्जत करो ना, किसने मना किया? लेकिन सेवकों का पैर छूना ऐसा वाला? सर मैं अभी पंजाब में था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां पे अभी पंजाब वाले देख भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे तो मेरे दोस्त बन गए। बोलते डैनियल भाई ऐसी बातें हमने कभी सुनी नहीं। मैंने बोला इसलिए तो सुनाने आया हूं, और मुझे पता है कि दो दिन से जब आप मुझे सुन रहे हैं आपके भी मन में चल ही रहा होगा, यार ये काला कोट वाला है कौन? और मैं तो इनको यूट्यूब पे मिला, और ये तो इनका प्यार है या इनका परमेश्वर ने इनको अगुवाई दी कि मुझे ऐसा मंच मिला जहां पर मैं ये सच्चाई को बता सकूं। आमीन। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न यह है कि जब हम परमेश्वर की सेविकाई में हैं तो हमको ये वाली सारी चीजें क्यों चाहिए? और आप पैर क्यों छुलवा लेते हो यार? बाइबल में लिखा है जब यूहन्ना स्वर्गदूत के पैर के पास में गिरा तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मालूम है, मैं भी तो तेरी तरह सेवक हूं, मेरे पैर के पास क्यों झुकता है? यीशु के पैर के पास झुको। कम ऑन, ये सुन लो। ऊपर से मैं फिर नाम भूल गया, बिकन सर कितने पैसे मांगे मैंने आपसे फोन के ऊपर, मुझे कितना पैसा चाहिए बोला मैंने। बिल्कुल सच बताइए सर, ना तो कोई अंदर की सेटिंग है और ना ही कुछ, और ये फेसबुक यूट्यूब वाले मुझे सब जानते हैं। मैं 25 साल से सेविकाई में हूं, जब मैं वर्शिप करता था तब भी पैसे नहीं मांगे, आज मैं प्रचार करता तब भी पैसे नहीं मांगे। मैंने इनको कभी नहीं कहा कि सर मुझे इतना पैसा चाहिए, सिवाय गाड़ी के, क्योंकि मैं गाड़ी से ट्रैवल करता हूं, क्योंकि गाड़ी में मेरी सारी चीजें होती है और उसके लिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। अगर होटल अच्छा ना मिले तो मैं गाड़ी में सो जाऊं, मैंने ये डिसाइड कर लिया 5 साल से। मैंने कभी नहीं कहा कि सर मुझे इतना पैसा चाहिए, आप देंगे वो बात अलग है, आगे आप समझदार। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं गाना गाने आता हूं मुझे पैसा चाहिए, हद होती है। पहली बात तो ये है कि भाई तुम गाना गाते हो अपने घर पे गाओ, अपने चर्च में गाओ, ऐसे कन्वेंशन में एक तो गाते हो और ऊपर से कहते हैं कि इतना चाहिए इसका उतना चाहिए उसका। भाई जब बिजनेस ही करना था तो खुल के बोलो ना कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। लगता नहीं समझ में आया मुझे, यहां कौन कौन जानता है जरा एक बार हाथ उठा ले। कब से जानते हैं सर मुझे आप लोग? रवि कब से जानते हो? 8 साल से। क्या बोल के जानते हो? पहले सिंगर था तो। राइट। अब आप बोलोगे डैनियल भाई ये गायकों के बारे में म्यूजिक के बारे में आपको इतना कैसे पता चला? जो उसके अंदर से ही निकला है उसी को तो पता चलेगा ना। और आपको पता है सर मैंने क्यों ये सब तामझाम बंद कर दिए? क्योंकि इसमें डोंट टेक इट ऑन पर्सनल, कोई भी व्यक्तिगत नहीं लेना प्लीज, एक कान से सुनो, अच्छा लगा तो ले लो नहीं तो निकाल दो। मैं बिगाड़ नहीं सकता, सुधार क्या सकता हूँ? सुधार नहीं सकता, बिगाड़ क्या सकता हूँ? वो भी एक दो दिन में। आमीन। ऊपर बैठा परमेश्वर आपको संभाले। आमीन। मैं वापस कहता हूं अपने गले को नहीं बेचना कभी भी, अपने आगे कभी भी प्राइस टैग नहीं लगाना। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मैं स्पेशल सिंगर हूं, मैं गॉस्पल सिंगर हूं, मैं इंटरनेशनल सिंगर हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, कैसे जी रहा रे तू? कम ऑन, ये सुनो। और ऊपर से जो म्यूजिक बजाते बच्चे लोग, आप लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, ऊपर से जो म्यूजिक बजाते कहते हैं मेरा एक दिन का रेट है। भाई तू है क्या चीज? कौन सा रेट है मेरा? एक दिन का इतना रेट है? ऊपर से परमेश्वर बोलता है तेरे को म्यूजिक सिखाया किसने? मैंने। तुझे हाथ में ताकत दी किसने? मैंने। ऊपर से तो अपनी कला बेचेगा और वो भी प्रभु के नाम से। अगर आपको बिजनेस ही करना था तो पहले ही बोल देते। और ये सारा खेल बिगाड़ा कितने सर? मैं आ रहा हूं अभी इसके पास आ रहा हूं, ये बच्चे लोगों में थोड़ी देर और मंच पे रखूंगा। ये सारा खेल बिगाड़ा किसने है? ये बीच के लोगों ने। सर वापस आइए, ये व्यक्ति सर आप आज सेवक का रोल करें, नाराज नहीं है ना? ओके, सब लोग तैयार हैं मेरे मैसेज के? मैं ऑलमोस्ट नजदीक पहुंच रहा हूं, और आपको पता है टाइम कितने हो गए? 9:45। आप देख लीजिए, जबकि मैंने खुद कहा था कि घड़ी नहीं देखना, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वक्त कितना तेजी से भाग रहा है। ये जो सेवक है, आप और हम सबकी बात कर रहे हैं, ये जो सेवक है ये कहता है प्रभु, थोड़ा और आगे, ये कहता है प्रभु मैं आपकी सेवा तो करूंगा लेकिन मेरे को अनॉइंटिंग चाहिए। क्या चाहिए? मैं वापस बोलता हूं, क्या चाहिए? अगर मैं सही हूं तो साथ देना, अगर गलत हो तो रोक देना। क्या पहली सदी में लोग अनॉइंटिंग के पीछे भागते थे या पवित्र आत्मा के? सर माइक में बोलिए, पवित्र आत्मा के पीछे। जितने प्रभु के दास हैं मैं आपका आदर करता हूं सर, और आप लोग मुझे पकड़ सकते हो अगर मैं गलत हूं, मुझे प्लीज पकड़िए अगर मैं गलत हूं। मैं वापस कहता हूं मैं डंके की चोट पे प्रचार करता हूं। कैसे प्रचार करता हूं? डंके की चोट पे प्रचार करता हूं। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। आप दोबारा बुलाओ तो सही है, नहीं बुलाओ तो सही है। मेरा रोटी कौवा लाके देते रहेगा,
आगे आप लोग समझदार हैं। मैं वापस कहता हूं, पहली सदी में अनॉइंटिंग के पीछे लोग नहीं भागते थे, पवित्र आत्मा के पीछे भागते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में अनॉइंटिंग चलता था, सैमुएल का अभिषेक, शाऊल का अभिषेक, दाऊद का अभिषेक, याद आ गया, और अभिषेक बंधन तोड़ता, ये ओल्ड टेस्टमेंट में चलता था। मैं वापस कहता हूं, अब आदम का टाइम चला गया, नूहा का टाइम आगे बोल दिया करो ना, चला गया, अब्राहम का टाइम चला गया, मोसेस का टाइम चला गया, पौलुस भी अभी नहीं है, पतरस भी अभी नहीं है, यीशु है जिसने सबको चलाया और आप हैं। तो ऊपर बैठा परमेश्वर जब बाल्टी भर भर के दे रहा है तो ग्लास क्यों मांग रहे हो? और ये बात समझ में, ऊपर से भैया एक जगह पे क्या बोलती है मालूम है, प्रभु ताजा अभिषेक दे, ताजा अभिषेक दे। ऊपर से परमेश्वर बोलता क्यों, कल वाला बासा हो गया सर, प्लीज बताइए, ये ताजा अभिषेक, ये पुराना अभिषेक, ये नया अभिषेक। एक जगह पे मैं गया था, वहां पे चला था गाढ़ा अभिषेक। मैंने बोला प्रभु गाढ़ा अभिषेक पतला अभिषेक भी होता है, मुझे प्लीज कोई मदद करिए, अभिषेक अभिषेक होता है ना, परमेश्वर का जो अनॉइंटिंग है वो अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग होता है ना, पतला गाढ़ा मोटा ये क्या लगा के रखा है, सोच के देखिए आप लोग क्या चल रहा है, और ये सारा खेल बिगाड़ा किसने, थोड़ा दूर जाइए, मैं आ रहा हूं इनके पास। ऊपर से ये कहता है अभिषेक दे दे, चलो ठीक है आपको अभिषेक, अभिषेक दे देते हैं, अभिषेक आ जाओ बेटा, कोई भी आ जाओ, ये आया अभिषेक, ये इसको मिलेगा, सब लोग बोलो मिलेगा, ऐसा घूम जाएगा घूम ही नहीं रहा, ये रहा अभिषेक। फिर कहते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई का दान चाहिए, चंगाई का दान छोटा हो गया कोई बात नहीं, फिर कहते हैं मुझे भविष्यवाणी का दान चाहिए, फिर कहते हैं भूत काढ़ने, भूत काढ़ा ऐसा दान, भूत काढ़ा ऐसा दान, मराठी बराबर है, भूत काढ़ा ऐसा, टॉपिक क्यों आ गया, भूत को काढ़ने का दान नहीं होता, भूत को काढ़ने का बुलाहट नहीं होता, भूत को निकालने का अधिकार होता है। कुछ लोग क्या बोलते मालूम है, मुझे बापरे कैसे बोलू, ओपन मीटिंग है, कहते हैं मुझे भूत निकालने का मिनिस्ट्री है, ऊपर से भूत बोलता है बेटा तू कभी मिल मेरे को, भूत निकालने का मिनिस्ट्री मैंने कभी बाइबल में नहीं पढ़ा। यीशु कहता है सब लोग थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, प्लीज करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, ये आपने क्या हटाया, बोलो कचरा, दुष्टात्मा क्या है, बोलो कचरा। मेरे घर पे सॉरी मेरे होटल में भैया बड़ी तकलीफ है, बिकन सर जहां आपने रखा है ना मुझे, महालक्ष्मी होटल, होटल का नाम महालक्ष्मी है, वहां चिंचपाड़ा, नाम भी विचित्र है महालक्ष्मी, वहां पे उन्होंने रखा है। मेरा लड़का आधा आधा एक घंटे में डर जाता है, क्योंकि हवा चलती है ऐसा घंटी बज जाती है, मतलब वो जो कड़ी होता है ना वो ऑटोमेटिक खुद ही बज जाता है। मेरे को दो तीन बार बोला पप्पा लगता कोई आया है, पप्पा लगता कोई आया, मैं इसको कैसे समझाऊं कि दुष्ट आत्माएं खुद ही इनसे डरती हैं, दुष्टात्माएं खुद ही हमसे डरती है, कम ऑन, सुनो। मैं वापस कहता हूं भूत काढ़ने का दान हो, चंगाई का दान हो, अभिषेक हो, पवित्र आत्मा हो, ये सेवक को जरूर मिलेगा। थोड़ा हाथ उठाकर नहीं बोल सकते थे, यस जरूर मिलेगा। पास्टर जी मैं वापस कह रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं अगर सही है तो साथ दीजिए, गलत हो तो रोक देना। पवित्र आत्मा, अभिषेक, दान, प्रोफेसी, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक मकसद के साथ, पूछो क्या है, पहले प्रचार करो मन फिराने का, ये सब मिलेगा। राइट सर, लेकिन आजकल क्या चल रहा है मालूम है, हम नहीं जाएंगे, बाप रे और एक आगे क्या करूं, गब्बर सिंह का नाम सुना होगा, डाकू, डाकू गब्बर सिंह नहीं, शोले का गब्बर सिंह, याद है आपको, वो कहता था बसंती से या धनु से याद नहीं आ रहा है, बहुत बहुत टाइम हो गया ना, याद नहीं आ रहा है, वो कहता है जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेगी, याद आया कुछ, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेगी। तो मैंने बोला यार गब्बर सिंह ये डायलॉग तेरा नहीं है, ये तो डायलॉग यीशु का है, पूछो कैसे, यीशु ने कहा जब जब झेलों के पैर चलेंगे तब तक उसके चमत्कार के लिए हाथ चलेंगे। yes. इसका मतलब है पास्टर जी को पहले पैर चलाने, किसके लिए, बोलो सुसमाचार के लिए, क्या लिखा है मत पढ़ना, क्या लिखा है रोमियों की किताब उसका 10:15 में लिखा है, क्या ही सुहावने हैं उनके पैर जो सुसमाचार सुनाते, लिखा है कि नहीं लिखा है। इसका मतलब है पास्टर जी को, यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनना, आजकल गड़बड़ बहुत चल रहा है, बीच वालों ने गड़बड़ किया हुआ है, ये कहते हैं कि पहले आपको अभिषेक चाहिए, पहले आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पहले आपके पास दान होना चाहिए, पहले आपके पास बुलाहट होनी चाहिए, पहले आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है बेटा बाइबल को ठीक से पढ़, पहले तेरे पैर चलने चाहिए। मैं आपको साबित कर दूं बाइबल से, मैंने कहा मैं आपको बाइबल से साबित कर दूं, यहाँ आने से पहले सर जब आपका मैं वेट कर रहा था भैया का, मैं होटल के बाहर गाड़ी में बैठा था और मैंने कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बनाया फेसबुक के ऊपर लाइव, और मैंने वहाँ पर एक बात करी कि साउथ अफ्रीका से और भारत से बहुत सारे लोग लाइव आते हैं शाम शाम को और उल्टी सीधी बातें कर चले जाते हैं, और हमारे भारत के लोग जो हैं बाइबल नहीं पढ़ते, फंस जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि कभी किसी के चक्कर में
नहीं फंसना, जिसको सच्चाई पता है वो कभी नहीं फंसेगा। कमानियो सुनो, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि पैर कैसे चले। पढ़िए भैया मरको की किताब उसका 16:19, मरको 16:19, वाह, मरको 16:19 जी। और आप लोग बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, मैं उसके लिए आपका तारीफ करता हूँ जी। निदान जी, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद जी स्वर्ग पर उठा लिया गया जी, और परमेश्वर की दहिनी ओर बैठा गया। यीशु जाकर बैठ गए। आगे सुनते हैं कि 12 चेलों ने या 11 चेलों ने क्या किया जी। और उन्होंने निकलकर हर वापस, जगह वापस वापस पहला लाइन, उन्होंने निकल और उन्होंने निकलकर एक मिनट वापस बोलना, और उन्होंने निकलकर आपने सुना भैया कहां से निकलता है आदमी, बोलो पैरों से। तो पहले क्या चले, पैर, ये देखो चले सर, अभी चलिए मेरे साथ में, ये चल रहे हैं भैया, पढ़िए फिर। हाँ, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। एक मिनट, क्या किया? प्रचार नहीं, नहीं नहीं, चमत्कार किया, चमत्कार किया ना, मैं और कुछ बोल दूं? अब आप लोग बोल रहे होंगे डैनियल भाई इतना कुछ बोल दिया बचा क्या, ये भी बोल दो, बोल देते हैं चमत्कार के पीछे भागोगे कि प्रचार के। अच्छा, लेकिन आजकल क्या चलता है, जब कन्वेंशन के लिए कोई प्रीचर को ढूंढते हैं, सच बता दूं अंदर वाली आप लोग को बात, कहते हैं यार कोई पावरफुल प्रीचर है तो बुलाओ। भाई पावरफुल प्रीचर को बाद में बुलाओ, जो बाइबल का वचन ठीक से प्रचार करे उसको पहले बुलाओ। कमाल हो सकता है। और आपको पता है पावर तो साथ में आएगा प्रचार के, चमत्कार को तो साथ में आएगा प्रचार के, पहले प्रचार किए। वापस पढ़ना भैया, फिलिप जी, और उन्होंने निकलकर वापस, और उन्होंने निकलकर जी आगे हर जगह प्रचार किया। क्या लिखा है? प्रचार, नाम क्या है गांव का, भूल गया मैं, खड़कीपाड़ा, खड़कीपाड़ा में, चलना भैया खड़कीपाड़ा में प्रचार किया, फिर नंदुरबाग में प्रचार किया, फिर महाराष्ट्र में प्रचार किया, फिर आपका एपी केपी एमपी यूपी गोवा जम्मू कश्मीर, भारत के 29 राज्य में, भारत के 134 करोड़, भारत के 7 लाख गांव, और भारत के 4000 से भी जनजातियों के बीच में प्रचार किया। आज की बात कर रहा हूं, जैसे वहां निकलकर प्रचार किया। आगे पढ़ना भैया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किसके साथ काम करता रहा? ये उनके साथ कौन है जरा जल्दी बता दीजिए, जिनके पैर चलेंगे, जो प्रभु का प्रचार करेगा, प्रभु उनके साथ काम करेगा। आगे, और उन चिन्हों के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा, इंग्लिश में लिखा है साइंस एंड वंडर्स, दोस साइंस एंड वंडर्स, मतलब सर जब आपके पैर चलेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं किसी के ऊपर तुम्हारा हाथ का इस्तेमाल करूंगा ताकि उनको चंगाई मिले। ये सुनो, तो पहले पैर चले, आगे बोल दो, फिर हाथ चले। तो यहां पर आजकल क्या चाहिए, पहले हाथ चलाएंगे, पैर तो बाद में देखते हैं। कमानिया सुनो, सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम में गड़बड़ है, है आज की तारीख में गड़बड़ है ना, ये बीच वालों ने। आइए बात करते हैं, बच्चे लोग आप लोग चले जाओ बेटा, सर वापस आइए इस तरफ, बच्चों के लिए ताली बजा दो, अच्छा लगेगा। वाह सर, इस तरफ आइए, आइए सर, मैं वापस कहता हूं ये जो व्यक्ति है ये पहले सदी का विश्वासी, मैं समाप्ति की तरफ आ गया, सब लोग ठीक है, ये व्यक्ति पहला सदी का ना, यहां से बाइबल देना आपका छोड़ दीजिए, यहां से मिशन स्टार्ट हुआ, राइट और नो? मैं फिर पूछ रहा हूं, सब सुन रहे हैं, यहां से मिशन स्टार्ट हुआ, मिशन स्टार्ट होते 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 यहां तक पहुंच गया। भैया अब आपकी बारी है, पकड़िए। वाओ, मेरा प्रश्न है क्या बाइबल बदला? जोर से नहीं, जिनके पास माइक है जरा साथ दे दीजिए, सर आप लोग भी साथ दे दीजिए, और यहां की टीम बड़ी अच्छी लग रही है, सर आप लोग भी बात करिए। मैं फिर पूछता हूं, वहां से बाइबल यहां पहुंचते पहुंचते क्या बदला? नहीं। शुक्रिया। क्या पवित्र आत्मा वहां से यहां आते आते बदला? नहीं। शुक्रिया। क्या यीशु बदला? नहीं। क्या बात है, क्या परमेश्वर यहोवा बदला? नहीं। ना पिता बदला, ना पुत्र बदला, ना पवित्र आत्मा बदला, ना उसका वचन बदला, क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 13:8 वो कल आज युगानियों एक सा है। सर आइए वहां से चलते चलते, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे वापस जाइए, फिर धीरे धीरे आइए। अब जरा मजा देखिए ये आदमी कैसे बदलेगा, और ये मेरे मैसेज का लास्ट पार्ट है, सब लोग तैयार हैं, जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुनिए। आइए सर धीरे धीरे, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, पांचवी सदी, छठवीं सदी में आके रुक जाइए। पूछो क्यों? सब लोग पूछेंगे तो मजा आएगा जी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि छठवीं सदी तक पूरी बाइबल थी ही नहीं। मैं रिपीट कर दूं, जितने बाइबल कॉलेज जा चुके हैं मेरा साथ दीजिए, छठवीं सदी तक पूरी बाइबल चर्चेस में, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं का भी हो, पूरी बाइबल थी ही नहीं। अगर आपको सच का पता लगाना है गूगल में टाइप करिए द हिस्ट्री ऑफ बाइबल, आपको पता चल जाएगा कि सच 6वीं सदी में कंप्लीट बाइबल आई, और 13वीं सदी में, कौन सी सदी? 13वीं सदी में वाइक्लिफ बोलकर, वाइक्लिफ जॉन, उसने पहला ट्रांसलेट किया, और 16वीं सदी में किंग जेम वर्जन आया, फिर उसके बाद में NIV और फिर बहुत सारे भाषाएं, और आज तो गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल सब में आ गए। ये सुनो, ये व्यक्ति जैसे जैसे सदी
बदलती गई, वापस पीछे आइए रवि थोड़ी देर और, हाँ मेरी जान, जैसे जैसे सदी बदलती गई और जैसे जैसे लोग बदलते गए, जैसे जैसे सदी बदलती गई, जैसे जैसे लोग, आगे बोलते जाइए, जैसे जैसे सदी बदलती गई, जैसे जैसे लोग बदलते गए, इसी पवित्र